मम्मी सर्दी आ चुकी है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है। ऐसा करती हूँ कुछ नया फेस वॉश ट्राई करती हूँ जिससे मेरी स्किन पर मॉइस्चर बना रहे। मम्मी बरसात का मौसम है, देखो ना कितने पिंपल्स आते जा रहे हैं। ऐसा करती हूँ कुछ नया फेस वॉश लेकर आती हूँ जिससे मेरे सारे पिंपल्स और एक्ने खत्म हो जाएं। अगर आपके भी यही सारे सवाल हर मौसम बदलने के साथ आपके मन में और आपके माइंड में आते हैं, या आप भी इन सब चीजों से परेशान हो चुके हैं, तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा फेस पैक लेकर आई हूँ जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, है ना। ऐसा ही होता होगा ना आपके साथ में भी, हर मौसम बदलने के साथ आपके फेस पे कुछ नई प्रॉब्लम और नए तरीके का फेस वॉश या नए तरीके का फेस पैक, और उसके बाद उसको अप्लाई करने के बाद भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम एज इट इज रहती है। सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग तो कभी आई ही नहीं है। लेकिन आज का मेरा ये बढ़िया सा फेस पैक, वो भी इतना नेचुरल है, इतना इफेक्टिव है, वो भी खर्चा बचाओ, जो आपके प्रॉपर फेस पर खुशी लेकर आएगा, आपको सेटिस्फेक्शन देगा। और अगर आपके फेस पे झुर्रियां, बहुत पुरानी से पुरानी झाइयां भी हैं, या पिंपल के मार्क्स हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, या फिर आपकी स्किन बहुत अनइवन हो चुकी है, सनबर्न बहुत ज्यादा हो चुका है, उसके ऊपर पिगमेंटेशन आ चुकी है, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं रहा, तो ये सारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेगा। बनाना बेहद आसान है, लेकिन एक चीज आपको फॉलो करनी है कि इसको बनाना रोज है, प्लीज स्टोर करके नहीं रखना, क्योंकि जो उसमें मैं इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने वाली हूँ, अगर आप उसको रोजाना बस 5 मिनट देंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। बस बनाने में 5 मिनट और लगाकर सुखाने में 5 मिनट, एटलीस्ट बस आपको रोज के 10 मिनट अपने फेस को देने हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं ना, 24 घंटे में से 10 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हो, है ना। तो फटाफट से देख लेते हैं इसको बनाने का सही तरीका। लेकिन अगर आप YouTube के साथ साथ मुझे Instagram पे भी फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरा अकाउंट है @ishamehra, और Facebook पे मेरा पेज है @healthtime। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक खाली बाउल, उसमें आपने ऐड करना है चावल का आटा। चावल का आटा क्या करता है, कोरियन स्किन के रूटीन में भी यूज किया जाता है, कोरियन गर्ल्स भी इसको यूज करती हैं, आपकी स्किन के टेक्सचर को बहुत ज्यादा फ्लॉलेस बनाता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन जो सैग कर गई है, झुर्रियों की समस्या जो आ रही है, उसको अपलिफ्ट करता है, ठीक है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। यहाँ पर मैंने इस डब्बी में इसको स्टोर करके रखा हुआ है, चावल के आटे को, जो ऑलमोस्ट फिनिश है, तो मैं इसको और बनाकर घर पर रख लूंगी। आपको इसके लिए मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आपने चावल को घर पे मिक्सी में पीस लेना है और इस तरह का पाउडर बना के डब्बी में स्टोर कर लेना है, ठीक है। तो 1 स्पून हम इसमें राइस फ्लावर ऐड करेंगे। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा आलू। जी हाँ, आलू का मेरा नेचुरल खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम आलू को अपने जो स्किन डार्क हो गई है, आपकी स्किन झुलस चुकी है धूप से, तो उससे ही आपकी स्किन को बहुत अल्टीमेट रिजल्ट मुझे देखने को मिला है आज तक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आलू को मैंने अच्छे से धो लिया है, अब इसके छिलके को मैं उतार कर कद्दूकस करके इसका जूस निकालूंगी और वो जूस इसमें ऐड करूंगी। तो आपने कम से कम एक आलू लेना है, क्योंकि इसका थोड़ा सा ही जूस निकलेगा जब आप इसको कद्दूकस करेंगे और इसका निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इस प्रोसेस को फटाफट फॉलो करते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी क्या करती है, जितने भी आपके सीबम्स हो रहे हैं आपके बॉडी में, आपके या फेस पे बहुत ज्यादा जब ऑयल प्रोडक्शन होता है, तो उससे पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली समर्स में। तो अगर आप समर में ये पैक यूज कर रहे हैं तो मुल्तानी मिट्टी ऐड करें, और अगर विंटर में इस पैक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच ग्लेसलीन का जरूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा लेमन। तो अब इसको मैं कट करके इसका जो जूस है 1/2 लेमन का इसमें ऐड कर लूंगी। अगर आपकी स्किन पर लेमन सूट नहीं करता तो इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, टमाटो भी ले सकते हैं, 1/2 टमाटो, उसका जूस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम स्क्वीज कर लेते हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड करेंगे, हद से ज़्यादा इफेक्टिव हैं आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। और आई एम श्योर अबाउट दिस कि अगर आप इस पैक का इस्तेमाल करेंगे तो आप मार्केट में मिलने वाले महंगे से महंगे पैक्स को भूल जाएंगे, और आप किसी भी आपको फेस वॉश को भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली अपनी स्किन की किसी भी प्रॉब्लम के लिए। इनको अच्छे से मिक्स करें। तो अब यहाँ पर हमारा फेस पैक बनकर तैयार हो चुका है, और अब मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। आपने इस तरीके से पूरे फेस पर अपने अप्लाई कर लेना है। अगर आपकी नेक पे पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, आपकी एल्बोज या आपकी आर्म्स बहुत ज्यादा है, तो आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और इस तरीके से अप्लाई करने के बाद आपको किसी से भी कोई बात नहीं करनी, 10 मिनट के लिए इस पैक को एज इट इज लगा रहने देना है। मेक श्योर कि गर्मी में जब आप इस पैक को लगा रहे हैं तो कूलर या एसी के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना बैठे, इसको नेचुरल तरीके से सूखने दें, तभी इसका इफेक्ट आपकी स्किन में जाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेरा पैक सूख चुका है, तो मैं इसको पानी से वॉश कर लूंगी।
तो अल्टीमेट रिजल्ट जैसे आपको मेरी स्किन में दिख रहा है उतना ही आपकी स्किन में भी दिखेगा। तो फटाफट से किचन में जाएं, चीज़ें कलेक्ट करें और इसको अप्लाई करें। आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा। मेरा ये पैक बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी उम्र के लोग इसको इस्तेमाल करके अपनी स्किन को फ्लॉलेस बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।